मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग आपको न्यूप्रभात स्कूल की तरफ से स्टैंडर्ड फर्स्ट के ईवीएस का चैप्टर नंबर 2 एक्सप्लेन करेंगे। गो ग्रीन, यानी कि हमें हरियाली को बचाना चाहिए और समझना चाहिए। टाइप्स ऑफ प्लांट्स, यानी किस तरह के पौधे पाए जाते हैं। देर इज़ अ पार्क बिहाइंड अरमान्स हाउस, एक पार्क है यानी गार्डन है अरमान के घर के पीछे। अरमान एंड His sister Arzu go there for a walk every morning with their dog Ginger. Arman और Arzu जो हैं हर रोज़ वहाँ सुबह वॉक करने जाते हैं अपने डॉगी जिंजर के साथ। There are many plants in the garden. आप जैसे कि पिक्चर में देख सकते हैं गार्डन में बहुत सारे पेड़ पौधे हैं। Do they all look the same? क्या वो सारे एक जैसे दिखाई देते हैं? Yes or no? तो नो, नहीं, वो सभी एक जैसे दिखाई नहीं देते। प्लांट्स आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस, प्लांट्स जो हैं वो अलग अलग आकार और अलग अलग साइज के होते हैं। सम आर बिग, सम आर स्मॉल, कुछ बड़े होते हैं कुछ छोटे होते हैं। सम आर वेरी स्मॉल और कुछ तो बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं। द बिग एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज, जो बड़े और मजबूत प्लांट्स होते हैं उन्हें ट्रीज कहा जाता है। Arzu says there are 3 trees in the park. Arzu कह रही है कि पार्क में 3 tree हैं। But Arman says there are 4 trees in the park. लेकिन Arman कह रहा है कि वहाँ 4 trees हैं। Who is right? Arzu और Arman? कौन सही कह रहा है, Arzu या Arman? तो आप पिक्चर में देख के बता सकते हैं कितने ट्रीज हैं यहाँ पर। 1, 2, 3 कितने ट्रीज हैं, 1, 2 and 3। तो यानी Arzu सही कह रही है। अरमान को ये भी एक ट्री लग रहा है लेकिन ये एक ट्री नहीं है, ये छोटा सा एक श्रब बुशी प्लांट है। प्लांट्स मेक आर वर्ल्ड ब्यूटीफुल, दे कीप द एयर फ्रेश एंड क्लीन, पौधे जो हैं वो हमारे वर्ल्ड को यानी कि दुनिया को बहुत अच्छा और खूबसूरत बनाते हैं और वो हमारी हवा को भी साफ और ताज़ा बनाते हैं। ट्रीज आर ऑल्सो ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस, ट्रीज के भी कई सारे अलग अलग आकार और अलग अलग साइज होते हैं। दे ग्रो वेरी टॉल और वो बहुत ऊंचे तक बड़े होते हैं। फर्स्ट आपको बैनियन ट्री दिखाया जा रहा है। बैनियन ट्री एक बहुत बड़ा पेड़ होता है जिसके ऊपर भी रूट्स रहती हैं और जिसका ट्रंक यानी तना भी बहुत मजबूत होता है। इस पार्ट को जो कि आप यहाँ देख रहे हैं इसे ट्रंक कहा जाता है और जो इसके अंदर यहाँ पर आपको लाइंस दिख रही हैं उसे हम रूट्स कहते हैं। फिर मैंगो ट्री, मैंगो ट्री भी एक बड़ा पेड़ होता है जिसमें मैंगोज उगते हैं एज अ फ्रूट। फिर होता है पाइन ट्री, पाइन ट्री एक ट्राइंगल शेप का ट्री होता है जो कि बहुत ही ऊँचा बड़ा होता है और ये ज़्यादातर पहाड़ों में उगते हैं। कोकोनट ट्री, कोकोनट ट्री जो होता है उसके लीव्स जो होते हैं वो बहुत लंबे और इतने घने नहीं होते और उसमें कोकोनट का फ्रूट उगता है और ये भी बहुत लंबे पेड़ होते हैं। इज़ इट ईजी टू क्लाइंब अ ट्री, क्या पेड़ों पर चढ़ना आसान होता है? नहीं, इतना आसान नहीं होता क्योंकि वो बहुत ऊँचे होते हैं। सम प्लांट्स आर स्मॉल बट स्ट्रॉन्ग, कुछ प्लांट्स छोटे होते हैं लेकिन मजबूत होते हैं। सच प्लांट्स आर कॉल्ड श्रब्स, उन्हें श्रब कहा जाता है। रोज का प्लांट एक श्रब है, वो छोटा होता है लेकिन मजबूत होता है। फिर चंपा, उसी तरह चंपा का भी पेड़ जो है वो एक पौधा है जो कि ट्री से छोटा होता है लेकिन मजबूत तने का होता है। फिर क्रोटॉन, क्रोटॉन एक तरह की घास जैसे पत्ते होते हैं वो भी बहुत मजबूत होते हैं। और टोमेटो, टोमेटो भी एक प्लांट है जो कि श्रब माना जाता है। शुड वी प्लग द फ्लावर्स, क्या हमें पौधों से फूल तोड़ना चाहिए? तो हाँ, हम उन्हें तोड़ सकते हैं।